अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एसईएसएस पास पेपर 2017। और सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि एनर्जी इज ड्राइविंग फोर्स फॉर एग्रीकल्चर आउटपुट, फॉसिल फ्यूल्स हैव एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, व्हाट आर अल्टरनेटिव सोर्सेज व्हिच कैन बी मैनिपुलेटेड टू अर्न कार्बन क्रेडिट एंड रिजल्ट्स इन कंपेरेबल लेवल ऑफ फार्म आउटपुट विद ऑलरेडी अवेलेबल सोर्सेज, सो डिस्कस इन द लाइट ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एंड इकोनॉमिक्स। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन जो ज़्यादातर अगर हम डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हुई तो होती है, तो ये पोल्यूशन को इंक्रीज कर देती है इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन इसके लिए अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देते हैं, और इस तरह से ये जो फार्मिंग आउटपुट है उसको भी इन्हेंस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ वायबल अल्टरनेटिव्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें सोलर एनर्जी है, जिसकी एप्लीकेशंस में ये है कि सोलर पैनल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इरिगेशन के लिए, और इसके अलावा पावरिंग फार्म मशीनरी के लिए यूज़ होते हैं, और रनिंग ग्रीन हाउस ऑपरेशंस के लिए। और एडवांसमेंट्स इस सोलर एनर्जी के अंदर क्या है कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स है इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स है उसने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया है और डिक्रीज कर दिया है कॉस्ट को, जो जिस सोलर एनर्जी बनाई जाती है, और इस तरह से फार्मर्स के लिए ये ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बन गया है। और इकोनॉमिक्स देखें हम तो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो इसकी हाई हो सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इसकी सेविंग्स है एनर्जी बिल्स के ऊपर और जो पोटेंशियल इनकम है वो भी जनरेट की जा सकती है मीन के एक्सेस पावर को सेल करके। और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो अर्न करते हैं कार्बन क्रेडिट्स को और रिड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि विंड एनर्जी की एप्लीकेशंस क्या हैं कि विंड टर्बाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और जो कि मुख्तलिफ के फार्म्स के लिए ज़रूरत होती है, और इस तरह से वाटर पंपिंग इसके अंदर इंक्लूड है और इलेक्ट्रिक फेंसिंग इंक्लूड है। एडवांसमेंट्स अगर हम विंड एनर्जी के यूज़ के अंदर देखें तो जो मॉडर्न विंड टर्बाइंस हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं और कैपेबल हैं जनरेट करने के लिए पावर को एट लोअर विंड स्पीड के ऊपर, सो मेकिंग देम सूटेबल फॉर वाइडर रेंज ऑफ लोकेशंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सिमिलर टू सोलर विंड एनर्जी इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट बट ऑफर्स लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड पोटेंशियल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सेस पावर। ठीक है, जिस तरह सोलर एनर्जी है इस तरह से विंड एनर्जी का भी इस तरह से यूज किया जाता है, और इसकी जो इसके अंदर सिग्निफिकेंट अप फ्रंट जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो सेविंग्स हैं वो विंड एनर्जी को यूज़ करते हुए उसको लॉन्ग टर्म सेविंग की जा सकती हैं और रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। सो विंड एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं कार्बन क्रेडिट्स के लिए भी, जो कि इकोनॉमिक रिटर्न्स को इन्हेंस करते हैं। और बायोएनर्जी अगर हम देखें बायोएनर्जी की एप्लीकेशंस को, तो बायोएनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है क्रॉप रेजिड्यू से, एनिमल मैन्यूर से और डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप से। सो इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इज अ बायो फ्यूल फॉर मशीनरी। और एडवांसमेंट्स इसमें क्या है बायोएनर्जी में कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो एनरोबिक डाइजेशन के अंदर है, बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर है, उसने इस एफिशिएंसी और इसकी स्केलेबिलिटी को भी इंक्रीज किया है। तो बायोफ्यूल प्रोसेसिंग के अंदर इनोवेशंस ने जो है एनर्जी की यील्ड को इम्प्रूव किया है, और बायोएनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो के प्रोवाइड करते हैं ड्यूल बेनिफिट वेस्ट मैनेजमेंट का और एनर्जी के प्रोड्यूस होने का। सो पोटेंशियल इनकम जिनके जनरेट होती है कार्बन क्रेडिट से और एनर्जी सेल्स होती है, देन जो ये रिड्यूस कर देती है डिपेंडेंसी को जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी उस वो भी रिड्यूस हो जाती है। सो नेक्स्ट हम हाइड्रो पावर देखते हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? जो स्मॉल स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम्स हैं उनको जो फार्म्स के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है विद एक्सेस टू फ्लोइंग वाटर प्रोवाइडिंग अ स्टेडी एंड रिलायबल एनर्जी सोर्स। और एडवांसमेंट्स इसमें क्या है कि जो माइक्रो हाइड्रो टेक्नोलॉजी के जो एडवांसेस हैं इसने इस सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और ईजियर बना दिया है इसको मेंटेन करना, लो फ्लो कंडीशंस के ऊपर भी इसको मेंटेन किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स क्या है? साइट स्पेसिफिक माइक्रो हाइड्रो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट एनर्जी ऑफर करता है विद लो ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ, सो कार्बन क्रेडिट्स जो है वो फर्दर उनको इन्हेंस किया जा सकता है और ये इकोनॉमिक अपील को जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्हेंस करते हैं। और जियो थर्मल एनर्जी क्या है? इसकी एप्लीकेशंस जियो थर्मल जो है वो हीट पंप करता है और प्रोवाइड करता है हीटिंग और कूलिंग ग्रीन हाउसेस के लिए, और इस तरह हीट स्टॉक बर्न्स एंड अदर फॉर्म जो स्ट्रक्चर्स हैं। एडवांसमेंट्स इसमें जियो थर्मल एनर्जी के अंदर क्या है कि एनहेंस्ड जो जियो थर्मल टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने सिस्टम एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है एंड रिड्यूस इंस्टॉलेशन कॉस्ट।
और जो जियोथर्मल सिस्टम्स के इकोनॉमिक्स हैं, तो जो जियोथर्मल सिस्टम्स है उसमें सिग्निफिकेंटली हीटिंग को रिड्यूस किया है, जो कूलिंग की कॉस्ट थी ओवर टाइम उसको रिड्यूस किया है। सो जो कार्बन क्रेडिट्स की एलिजिबिलिटी है वो क्या करती है, एड्स करती है इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर, इसको क्या करती है ऐड करती है। और इसके इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं, तो कार्बन क्रेडिट्स जो है वो अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अलाउज फार्मर्स टू अर्न कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। और ये एडिशनल रेवेन्यू भी प्रोवाइड करता है बाय पार्टिसिपेटिंग इन कार्बन ट्रेडिंग मार्केट्स। और कॉस्ट सेविंग्स देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट के नतीजे में भी जो है रिड्यूस करते हैं फ्यूल एक्सपेंसेस को, और जो रिक्वायरमेंट्स मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी रिड्यूस करती हैं। और सस्टेनेबिलिटी क्या है, जो जो अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज हैं वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करते हैं, मिटिगेशन पोल्यूशन को जो है रिड्यूस कर देते हैं, इस तरह से जो कंट्रीब्यूट करते हैं ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस की सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने में, और प्रमोट करते हैं लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इन्वायरमेंटल हेल्थ को। सो जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया है। सो ऑफरिंग जो प्रैक्टिकल एंड इकोनॉमिकली वायबल अल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स इन एग्रीकल्चर। सो इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हुए जो फार्मर्स हैं वो इनहेंस करते हैं सस्टेनेबिलिटी को, रिड्यूस करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, और जो बेनिफिशियल होता है इकोनॉमिकली भी, इस एनर्जी को भी सेव किया जा सकता है और कार्बन क्रेडिट्स को भी सेव किया जा सकता है। इस पेपर का जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश फैक्ट दैट इरिगेशन वाटर इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स एफिशिएंट यूज इज इम्पेरेटिव इन टर्म्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन सेमी एरिड एंड एरिड जोन ऑफ पाकिस्तान। सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स एंड अपग्रेडेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल एंड प्रोविजन लेवल्स हैव इंपोर्टेड इन फार्म वाटर मैनेजमेंट and also elaborate environmental and economical issues related with these techniques of farm water management, ठीक है। ये जो है question जो है इस paper का question number 3rd था, तो हम इसके जो है डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। तो इरीगेशन वाटर जो है वो इंडीड क्रिटिकल फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली जो सेमी एरिड हैं, जो एरिड जोन है पाकिस्तान के अंदर। तो एफिशिएंट जो फार्म वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर की जो स्कार्सिटी होती है, कमी होती है, उसको एड्रेस करने के लिए, इस तरह के इशूज़ को रिमूव करने के लिए। और जो नेशनल और प्रोविजनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया कई टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स को और अपग्रेड किया है वाटर मैनेजमेंट की इम्प्रूवमेंट को। सो सम कुछ देखते हैं यहाँ पर की इनिशिएटिव्स और टेक्निक्स हैं इस जो के एसोसिएटेड हैं इस इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इश्यूज के साथ, हम इनको डिस्कस करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अपग्रेड्स के हैं, हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन के क्या होता है, इस इन टेक्नोलॉजीज और इन जो एडवांसमेंट्स हैं इनके अंदर जो सबसे पहला सिस्टम आता है वो ड्रिप इरीगेशन का आता है। तो ये इससे मुराद ये है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं उन तक वाटर को डिलीवर किया जाता है, डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है। इससे जो फ़ायदा ये होता है कि जो वाटर लॉस होता है वो कम से कम होता जाता है, जो कि एवापोरेशन या रन ऑफ की वजह से होता है। और स्प्रिंकल इरिगेशन किसे कहते हैं, ये जो है वाटर कंट्रोल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से वाटर ये जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है वाटर का, और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, जिसमें प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह के नेशनल प्रोग्राम है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज, जो कि प्रमोट करता है इस सिस्टम्स की अडॉप्टेशन को सब्सिडीज के जरिए भी और ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करके। और टेक्निक्स जो जिस तरह से लेजर गाइडेड इक्विपमेंट को यूज किया जाता है लेवल करने के लिए फील्ड्स को, जो कि इस तरह से की जो लेवलिंग फील्ड्स होती हैं वो वाटर की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करती हैं, और वाटर लॉगिंग और रनअप को भी रिड्यूस करती हैं, इस तरह की टेक्निक। और इम्प्लीमेंटेशन इसका इनके अंदर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और जो प्रोविजनल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक रिसोर्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, ताकि वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। वाटर कोर्सेज लर्निंग क्या है, कंक्रीट या पीवीसी लर्निंग वाटर कोर्सेज जो है वो सीपेज लॉसेज को रिड्यूस करते हैं वाटर कन्वीनियंस के दौरान। और इनिशिएटिव्स जिस तरह के NPIW या मुख्तलिफ प्रोविजनल प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी एम यही होता है कि वाटर कोर्सेज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके लाइनिंग के जरिए और रिहेबिलिटेशन के जरिए। और सॉयल मॉइस्चर सेंसर्स और स्मार्ट इरीगेशन, ये इस तरह ये टेक्नोलॉजीज किस तरह से वर्क करते हैं, तो जो सेंसर्स है वो मॉनिटर करता है सॉयल मॉइस्चर लेवल्स को और ऑटोमेट इरीगेशन शेड्यूल्स टू ऑप्टिमाइज वाटर यूज। और अडाप्टेशन encouraged by agriculture extension services and supported by research in institutions like PARC।
और कंजर्वेशन टिलेज क्या है, जिसमें प्रैक्टिस देखे तो रिड्यूस करता है ये सॉइल की डिस्टर्बेंसेस को, ये मॉइस्चर की रिटेंशन को इनहेंस करता है और एरोजन को भी रिड्यूस कर देता है सॉइल के अंदर। और प्रमोशन क्या है, वेरियस एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स एंड प्रोविजनल डिपार्टमेंट्स एडवोकेट फॉर कंजर्वेशन टिलेज थ्रू ट्रेनिंग एंड डिमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस तरह से इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है सॉइल की जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं इसमें वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का आता है, तो इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं वो वाटर लॉगिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, जो कि सॉइल की सैलिनिटी को भी इंक्रीज कर देता है और सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, और सॉइल की क्वालिटी जो है डिग्रेड होने की वजह से क्रॉप की यील्ड्स भी कम हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है इस तरह के यानी कि प्रॉब्लम का, तो हाई एफिशिएंसी सिस्टम और प्रॉपर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करता है इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और ग्राउंड वाटर डिप्रेशन क्या है, जो ओवर रिलायंस है ग्राउंड वाटर के ऊपर इरिगेशन के लिए वो एक्वीफर्स की डिप्लेशन की तरफ लेकर जा सकता है। और मिटिगेशन क्या है, प्रमोटिंग सरफेस वाटर यूज एंड रिचार्ज टेक्निक्स थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हम केमिकल रन ऑफ देखते हैं, जो कि ये भी इन्वायरमेंटल एक इशू है। और ओवर इरिगेशन जो है वो रन ऑफ की वजह बन सकता है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का वाटर बॉडीज के अंदर, और इससे फिर पोल्यूशन इंक्रीज हो सकती है वाटर के अंदर। और इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं प्रिसाइज इरिगेशन एंड इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से, जो कि इंकरेज करते हैं और मिनिमाइज करते हैं केमिकल के यूज को और रन ऑफ को भी मिनिमाइज कर देते हैं। और इकोनॉमिक इश्यूज के हैं, हाई इनिशियल कॉस्ट चैलेंज, एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज हैव हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, सो विच कैन बी अ बैरियर फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स। ठीक है, जिस तरह के इरिगेशन सिस्टम जो एडवांस होता है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं उनको इनकी जो इंस्टॉलेशन होती है उनका सेटअप वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और जिसको स्मॉल स्केल जो फार्मर्स होते हैं वो ईजिली यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए उनको जो है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं एग्रीकल्चर के, उनके जो है उनकी तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है ताकि वो इस तरह का सेटअप जो है इंस्टॉल कर सके। सो जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं या लो इंटरेस्ट लोन्स हैं और कॉस्ट शेयरिंग प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं, इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं। और मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन देखें तो रेगुलर मेंटेनेंस और टेक्निकल नाउ हाउ आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एडवांस इरीगेशन सिस्टम इफेक्टिवली, सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और स्पोर्ट है सर्विसेज वो प्रोवाइड की जा सकती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स की तरफ से और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो इस तरह से जो रेगुलर मेंटेनेंस को जो है वो मेंटेन किया जा सकता है, इस तरह से इस तरह के जो इरीगेशन सिस्टम्स होते हैं उनको इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। और पंपिंग और ऑपरेटिंग एडवांस इरीगेशन सिस्टम्स कैन लीड टू इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन एंड कॉस्ट। और एडवांसमेंट्स अगर हम देखें तो अडॉप्टेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, जिस तरह से सोलर पावर्ड पंप्स है, और ये रिड्यूस करते हैं एनर्जी के कॉस्ट को और इन्हेंस करते हैं सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस पेपर का, वाटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बायोफ्यूल्स क्रॉप्स इन पाकिस्तान एंड हाउ मच लैंड एंड लेबर कैन बी अलॉटेड फॉर दीज क्रॉप्स टू कॉम्प्रोमाइज विद सीरियल एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इकोनॉमिकली एंड सोशली, कीपिंग इन व्यू स्मॉल होल्डिंग इज सम ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस have called for a worldwide ban on biofuels production and claiming that it contributes to food shortages. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है, तो हम इसको देखते हैं कि प्रॉस्पेक्ट्स जो बायोफ्यूल क्रॉप्स के जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो क्या है पाकिस्तान के अंदर। सो इस तरह के जो प्रॉस्पेक्ट्स बायोफ्यूल्स है पाकिस्तान में आर प्रोमिसिंग गिवन द कंट्री नीड्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड एनहांस एनर्जी। जो बायोफ्यूल क्रॉप्स के प्रॉस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो क्या करते हैं कि कंट्री की नीड को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो सकती है और एनर्जी की सिक्योरिटी भी इससे एनहेंस हो सकती है। सो दिस मस्ट बी बैलेंस विद कंसर्न अबाउट फूड सिक्योरिटी एंड सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन स्मॉल होल्डर फार्मर्स। ठीक है, इस तरह से बायोफ्यूल क्रॉप्स जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनर्जी प्रोवाइड करके, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करके। तो प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं बायोफ्यूल के क्रॉप्स के पाकिस्तान के अंदर वो हम देखते हैं। पोटेंशियल बायोफ्यूल क्रॉप्स क्या होते हैं, ये ट्रोफा एक क्रॉप है जो कि मार्जिनल लैंड्स में ग्रो कर सकती है और ये अनसुटेबल होती है फूड क्रॉप्स के लिए, रिक्वायरिंग मिनिमल वाटर एंड इनपुट्स। ठीक है, और शुगर केन क्या है, ये ऑलरेडी एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एक क्रॉप है
जो कि एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो मेज है ये एथेनॉल के लिए भी यूज होता है, और ये कम्पीट करता है डायरेक्टली फूड क्रॉप्स के साथ भी। और एनर्जी सिक्योरिटी, बायोफ्यूल्स जो है वो डिपेंडेंसी को तो रिड्यूस करते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर होती है, और इस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर देते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर भी। सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्या है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन जो है वो जॉब्स भी क्रिएट करते हैं रूरल एरियाज के अंदर, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करती है। इसके साथ साथ जो पॉवर्टी है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं इस तरह के क्रॉप्स। जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं इसके बायोफ्यूल्स के क्रॉप्स के, तो बायोफ्यूल्स जो है वो रिड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को, और जो रिलायंस है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इनको भी रिड्यूस। नेक्स्ट हम इसके लैंड एलोकेशन देखते हैं, मार्जिनल लैंड्स क्या है, यूटिलाइजिंग डिग्रेडेड आर मार्जिनल लैंड्स फॉर बायोफ्यूल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा कैन मिनिमाइज कंपटीशन विद फूड क्रॉप्स। ठीक है, इस तरह जो है यूटिलाइजेशन है बायोफ्यूल क्रॉप्स के लिए मार्जिनल लैंड्स की, जिस तरह से जेट्रोफा क्रॉप है ये कंपटीशन को मिनिमाइज कर सकती है फूड क्रॉप्स के साथ। और क्रॉप रोटेशन क्या है, इंटीग्रेटिंग बायोफ्यूल क्रॉप्स इनटू क्रॉप रोटेशन सिस्टम्स कैन एनहांस सोइल फर्टिलिटी। ठीक है, कि इससे क्रॉप रोटेशन से मुराद ये है कि अगर एक ही यानी कि फार्म के अंदर एक ही किस्म की अगर क्रॉप बार बार उगाई जाती है तो उस जमीन की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है। इस तरह से यानी कि मुख्तलिफ किस्म की एक ही खेत में क्रॉप्स को उगाने की जरूरत होती है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रह सके, और इस तरह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। और उसके बाद लेबर एलोकेशन क्या है, सीजनल लेबर बायोफिल क्रॉप्स प्रोवाइड सीजनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन कम्प्लीमेंटिंग लेबर रिक्वायरमेंट्स फॉर फूड क्रॉप्स एंड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रेनिंग और सपोर्ट फार्मर्स को ताकि वो बायोफ्यूल के क्रॉप्स को एफिशिएंटली जो है वो कल्टीवेट कर सके। और इकोनॉमिक एंड सोशल कंसीडरेशंस, स्मॉल होल्डिंग्स क्या है, फार्म साइज, स्मॉल जो लैंड होल्डिंग्स है पाकिस्तान के अंदर, लिमिट द एक्सटेंस टू विच फार्मर्स कैन एलोकेट लैंड टू बायोफ्यूल क्रॉप्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फूड प्रोडक्शन। जो बायोफ्यूल्स की जो क्रॉप्स होती हैं तो उनको जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, मीन की इसकी डाइवर्सिफिकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए जो उनको केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि फूड की शॉर्टेज को इसे अवॉइड किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। और फूड सिक्योरिटी क्या है, कंपटीशन विद फूड क्रॉप्स बायोफ्यूल क्रॉप्स कल्टिवेशन जो है वो क्या करती है, डिस्प्लेस नहीं कर सकती एसेंशियल फूड क्रॉप्स को, जो कि फूड शॉर्टेज की तरफ लेकर जाता है, और प्राइसेस भी इससे इंक्रीज हो सकती हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच, अ बैलेंस्ड अप्रोच इज नीडेड प्रोमोटिंग बायोफ्यूल क्रॉप्स ऑन मार्जिनल लैंड्स व्हाइल इंश्योरिंग सफिशिएंट लैंड फॉर फूड क्रॉप्स। ठीक है, बैलेंस अप्रोच की जरूरत होती है बायोफ्यूल क्रॉप्स को मार्जिनल लैंड्स के ऊपर प्रमोट करने के लिए, इन फसलों को उगाने के लिए, और जो इंश्योरेंस भी जरूरी है जो सफिशियंट लैंड है फूड क्रॉप्स के लिए। इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है, मार्केट डिमांड, द वायबिलिटी बायोफ्यूल क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिंग बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ठीक है, इसकी जो कितना ये बायोफ्यूल क्रॉप्स जो है अवेलेबल होंगी जो है लोगों को, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो मार्केट की डिमांड के मुताबिक भी होती है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि वो कितने हद तक बायोफ्यूल की प्रोडक्शंस को सपोर्ट करती हैं, बायोफ्यूल के जो क्रॉप्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और सब्सिडीज और इंसेंटिव, जो गवर्नमेंट सब्सिडी इंसेंटिव्स हैं वो भी बायोफ्यूल की कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं फार्मर्स के लिए। और सोशल इम्पेक्ट इन बायोफ्यूल्स क्या की प्रोडक्शन का क्या है, तो ये रूरल डिवेलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है वो रूरल डिवेलपमेंट के अंदर रोल प्ले इस तरह से करती हैं कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट को जिन के बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी इम्प्रूव करती हैं। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या है कि जो इंगेज करते हैं ये लोकल कम्युनिटीज को बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो कि इंश्योर करती हैं इसकी बेनिफिट्स, और ये बेनिफिट्स जो है शेयर्ड होते हैं, और जो पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इस हवाले से वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं इस एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में जो CSS पास पेपर है 2017 का, तो इसका पेपर क्वेश्चन नंबर 5 है कि रूरल डेमोग्राफी इन पाकिस्तान इज इन ट्रांजिशन फेज टुवर्ड्स मिनी अर्बनाइजेशन एंड सो हाउ कैन दिस शिफ्ट इफेक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड पैरिटी इन रूरल सोसाइटीज टुवर्ड फार्म इनकम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल लिवलीहुड।
Can present educational investment in rural areas improve the human resource involvement in the decision making and development? And what are prospects of equitable and healthy rural communities in Pakistan? ठीक है, और इसको हम देखते हैं डिटेल से. तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट देखते हैं मिनी ऑर्गेनाइजेशन का, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी है रूरल सोसाइटीज के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं. फार्म इनकम और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. रूरल एरियाज जो है वो यानी कि बहुत इस तरह से एक स्मॉल टाउन की तरह है, जिसमें वुमेन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मनी को अर्न करने के कई जो है वेज फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह के स्मॉल बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं और सर्विसेज अपने ऑफर कर सकते हैं और मेकिंग क्रॉप्स. देन दिस कैन हेल्प वुमेन अर्न मोर एंड क्लोज द इनकम गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन. ठीक है, और उसके बाद जो है इसका हम इंटर जो है एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं. इंटर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि शिफ्ट टुवर्ड्स मिनी ऑर्गेनाइजेशन कैन इनकरेज वुमेन टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. ठीक है, और जो कि अलाउ करते हैं इनको कंट्रीब्यूट करने में अपने हाउस होल्ड इनकम को के अंदर इनके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वुमेन. इस तरह से ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो डेवलप होती है. तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव्ड सर्विसेज. अर्बनाइजेशन जो है वो क्या लाती है, बेटर फैसिलिटीज लाती है, जिस तरह के हेल्थ केयर है या एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है. तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं ये रिड्यूस कर सकते हैं टाइम एंड एफर्ट को जो कि वुमेन स्पेंड करते हैं अपने हाउस होल्ड चोर्स के ऊपर या जो केयर गिविंग के ऊपर, उस तरह जो एक्सेस है उनकी टेक्नोलॉजीज तक. तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनको उनके एक्सेस जो है टेक्नोलॉजीज तक वो इंक्रीज कर देता है, इंफॉर्मेशन तक उनकी एक्सेस इंक्रीज हो जाती है. सो एम्पावरिंग वुमेन विद द नॉलेज एंड रिसोर्सेज दे नीड टू पार्टिसिपेट मोर फुली इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और रूरल लिवलीहुड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, डिवर्सिफाइज होती है लिवलीहुड के अंदर. हम देखते हैं लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन को विद मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अर्बनाइजिंग एरियाज. वुमेन कैन पार्टिसिपेट मोर इन द वर्क फोर्स चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, जो इसका फायदा होता है कि वुमेन्स को जो है रूरल डेवलपमेंट के अंदर उसको बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वुमेन्स जो है अपने वर्क फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं. इस तरह से जो उनको इन्वायरमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो चैलेंजिंग आते हैं अपनी जेंडर रोल्स के हवाले से, तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी वो रिड्यूस कर सकते हैं. और एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट और वुमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं इसमें. एनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस. एजुकेशन प्रोवाइड्स पीपल विद नॉलेज एंड स्किल्स हेल्पिंग देम थिंक क्रिटिकली कैन बी मोर अवेयर. ठीक है, जो एजुकेशन जो है वो लोगों को नॉलेज स्किल्स प्रोवाइड करती है और जो कि उनको हेल्प करती है क्रिटिकली थिंकिंग में, उनको बहुत ज़्यादा और इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन से अवेयर करती है. और एजुकेटेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, चाहे वो हाउस होल्ड के अंदर हों या कम्युनिटी लेवल्स के ऊपर हों. और लीडरशिप रोल्स इन्वेस्टिंग जो एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टिंग है वो लेकर जा सकते हैं कि वुमेन जो है वो लीडरशिप टेकअप कर सकते हैं, इसके लीडरशिप के जो रोल्स हैं लोकल गवर्नमेंट्स के, लोकल गवर्नेंस के अंदर. इस तरह से एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के अंदर वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं और जेंडर इक्वलिटी जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको भी प्रमोट किया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन से और इस टेक्नोलॉजी से अवेयर होकर. और डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन हम देखें तो स्किल डेवलपमेंट होती हैं, एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करती है ह्यूमन रिसोर्सेज को उनके स्किल प्रोवाइड करके स्किल्स नीडेड फॉर मॉडर्न फार्मिंग और जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है और सर्विसेज सेक्टर जॉब्स हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं जो ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के अंदर. तो इनिशिएटिव अप्रोचेज हम देखते हैं, इनोवेटिव अप्रोचेज. एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कैन इंट्रोड्यूस न्यू वेज ऑफ फार्मिंग. ठीक है, जो इंडिविजुअल्स एजुकेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी से अवेयर होते हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, तो उनके पास फार्मिंग के न्यू वेज होते हैं, न्यू वेज वो इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपनी कम्युनिटीज डेवलप करते हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी है उसको ड्राइव करने के काबिल हो जाते हैं. और हेल्थ एंड वेलबींग, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस. मिनी अर्बनाइजेशन इम्प्रूव कर सकती है अपने हेल्थ के सर्विसेज को जो कि हेल्थ आउटकम बेटर जो है हेल्थ आउटकम्स की तरफ लेकर जा सकती हैं वुमेन को भी और चिल्ड्रन को भी. तो सैनिटेशन और क्लीन वाटर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट जो है वो इन्हेंस करती हैं क्लीन वाटर के एक्सेस और सैनिटेशन तक, जो कि बहुत ही क्रूशल है पब्लिक के हेल्थ के लिए. इकोनॉमिक डिवेलपमेंट और डिवर्सिफाइड इकॉनमी,
एक डिवर्सिफाइड रूरल इकोनॉमी जो है वो रिड्यूस करती है पॉवर्टी को, इन्हेंस करती है रिजिलियंस को इकोनॉमिक शॉक्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एसएमईएस, तो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करता है और स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल कोहेजन क्या है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, encouraging community engagement and participatory development can certain social cohesion ensure that development initiatives meet the needs of all community members. ठीक है, जो encourage community encouraging है और जो participation participatory development है वो social cohesion को strong बनाती है, ensure करती है development initiatives को ताकि community के members की needs को जो है पूरा किया जा सके. और cultural shift क्या है, जिस तरह के रूरल एरियाज अर्बनाइज हैं सो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स में चेंज लीडिंग टू मोर प्रोग्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर रूल्स एंड इक्वलिटी. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इम्प्लीकेशंस फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी रेस्ट ऑन नॉन पार्टिसिपेटरी रोल्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हाउ फार प्रेजेंट फॉरेस्ट पॉलिसीज हैव प्रिवेंटेड दिस रोल एंड हाउ कैन पॉलिसीज बी अमेंडमेंट to prioritize people involvement in raising forests and plantations and also elaborate preference of molecular biology over traditional forest breeding to commensurate purposes of ethnobotany, ecotourism and carbon sequestration. ठीक है, इन तमाम इस पूरे क्वेश्चन को जो है हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं करंट जो फॉरेस्ट पॉलिसीज हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है. नॉन पार्टिसिपेटरी रोल, लिमिटेड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मैनी फॉरेस्ट पॉलिसीज जो है वो लोकल कम्युनिटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है इनके फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, सो दैट कैन लीड टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग लोकल्स. नेक्स्ट इसमें आता है पॉलिसी बैरियर, जो पॉलिसीज हैं वो फोकस करते हैं ज़्यादातर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और के ऊपर, सो कंजर्वेशन जो विदाउट कंसीडरिंग कम्युनिटी इनपुट विच कैन हार्म बोथ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड लोकल लिवलीहुड्स. इंसेंटिव प्रोग्राम्स अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लोकल्स को इंगेज करने के लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर, जिस तरह के पेमेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को ये प्रोवाइड की जाती है और ग्रांट्स दी जाती हैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग है इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफर की जाती है लोकल्स में हेल्प करने के लिए लोकल्स मैनेज फॉरेस्ट को और टीचिंग देम न्यू टेक्निक्स एंड कंजर्वेशन मेथड्स. ठीक है, इन टेक्निक्स से जो है इन कंजर्वेशन मेथड्स से जो है वो बिल्ड कैपेसिटी जो है वो बिल्ड की जाती है कम्युनिटी के अंदर फॉरेस्ट को महफूज बनाने के लिए. और कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट क्या है, को मैनेजमेंट मॉडल्स शेयर फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन लोकल कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू एनहांस कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, जो फॉरेस्ट के हवाले से जो मैनेजमेंट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको लोकल कम्युनिटीज के अंदर शेयर करना जो गवर्नमेंट एजेंसीज से, तो इस तरह की कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी जो है वो इन्हेंस होती है. और प्रेफरेंस जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ब्रीडिंग के ऊपर, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एडवांटेजेस हम देखते हैं प्रिसीजन और एफिशिएंसी टेक्निक्स, जिस तरह के जेनेटिक इंजीनियर है जो कि अलाउ करते हैं फॉर मोर प्रिसाइज एंड एफिशिएंट ट्री ब्रीडिंग के लिए, जो ये इस तरह की ब्रीडिंग जो है वो ट्रेट्स को इम्प्रूव करती है, जिस तरह के डिजीजेस की रेजिस्टेंस होती है जो इसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है इस तरह की ब्रीडिंग से, और ग्रोथ रेट को भी ये रिड्यूस इंक्रीज कर देती है. और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स क्या है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो अचीव करते हैं रिजल्ट्स फास्टर देन ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड से, सो विच कैन टेक मेनी ईयर्स. और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एथनोबॉटनी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो हेल्प करती है कंजर्व करती है और सस्टेनेबिलिटी के अंदर हेल्प करती है मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते हुए बाय आइडेंटिफाइंग एंड ग्रोइंग स्पीशीज विद वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज देन इनहेंस्ड प्रोडक्शन. जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो इंक्रीज करती है यील्ड्स को और जो मेडिसिनल क्वालिटी है इनकी कंपाउंड्स को जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, इस तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन इनको प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है. इको टूरिज्म क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन improved forest breeding through molecular biology can create healthier more diverse forest attracting ecotourists. ठीक है, जो forest breeding होती है improved होती है molecular biology से और ये healthier को improve करती है mean के forest के अंदर diversification लाती है और जो कि ecotourist को बहुत ज़्यादा attract करती है. unique species क्या होते हैं, developing unique or rare species can make forest more appealing to tourists interested in biodiversity.
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है. इंक्रीज्ड कार्बन स्टोरेज, ट्रीज ब्रेड फॉर फास्टर ग्रोथ कैन स्टोर मोर कार्बन हेल्पिंग टू कम्बेट क्लाइमेट चेंज. ठीक है, कार्बन को स्टोर करना जो है वो ये हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज के कम्बेटिंग के अंदर. क्लाइमेट रेजिलियंस क्या है, डेवलपिंग ट्री स्पीशीज दैट विदस्टैंड क्लाइमेट चेंज इंश्योर लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इन डिटेल कॉन्सेंट्रेट्स इन न्यू रेंजलैंड डेवलपमेंट इन लो एंड हाई अल्टीट्यूड इन पाकिस्तान. व्हाट आर रीजंस फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ओल्ड रेंजलैंड्स. आल्सो एक्सप्लेन विजन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द रेंज पॉलिसी इन द कंट्री. ठीक है, डिस्कस करना है कॉन्सेंट्रेट्स को जो न्यू रेंजलैंड्स में डिवेलपमेंट में होते हैं इन लो एंड हाई अल्टीट्यूड के ऊपर पाकिस्तान में, और रीजंस क्या हैं डिग्रेडेशन की जो ओल्ड रेंजलैंड्स की होती हैं, और एक्सप्लेन करना है विजन जो है फार्मुलेशन ऑफ द रेंज पॉलिसी का जो कि पाकिस्तान के अंदर है. सो कॉन्सेंट्रेट्स इन डेवलपिंग न्यू रेंज लैंड्स इन पाकिस्तान. लो एल्टीट्यूड वाटर अवेलेबिलिटी इशूज डिस्कस कर लेते हैं. देयर इज नो इनफ वाटर इन लो एल्टीट्यूड एरियाज फॉर न्यू रेंज लैंड बिकॉज इट्स मोस्टली यूज फॉर फार्मिंग. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि वाटर इनफ नहीं होता लो एल्टीट्यूड के ऊपर इन एरियाज में. सो रेंज लैंड्स के लिए बिकॉज इट्स मोस्टली यूज फॉर फार्मिंग. और चैलेंजेस में क्या है, फाइंडिंग प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव विद लिटिल वाटर इज हार्ड. यानी कि इस तरह के प्लांट फाइंड आउट करना जो कि कम वाटर के साथ सर्वाइव कर सकें वो मुश्किल होता है. लैंड ओनरशिप प्रॉब्लम्स आती हैं, पीपल आर्ग्यू अबाउट हु ओन्स द लैंड मेकिंग इट हार्ड टू डिसाइड वेयर टू बिल्ड न्यू रेंज लैंड्स. देन लॉ इशूज आती हैं, लॉज अबाउट लैंड यूज आर्ट क्लियर मेकिंग थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, और इस तरह के वेदर प्रॉब्लम्स आते हैं, हीट एंड ड्राइनेस आता है जो कि इट्स वेरी हॉट एंड ड्राई इन लो एल्टीट्यूड एरिया, सो मेकिंग इट टफ टू ग्रो न्यू प्लांट्स. और अडॉप्टिंग क्या है कि फाइंड आउट करना प्लांट्स को जो कि हैंडल करते हैं हीट एंड ड्राई वेदर को, ये भी बिग चैलेंज है फार्मर्स के लिए. और हाई एल्टीट्यूड डिफिकल्ट ट्रेन स्टीप हिल्स माउंटेन्स और स्टीप स्लोप्स जो है वो हार्ड और एक्सपेंसिव बना देती हैं रेंज लैंड्स को बिल्ड करना. और गेटिंग देयर इट्स टफ टू ब्रिंग इन टूल्स एंड सप्लाईज बिकॉज इट्स हार्ड टू रीच दीज प्लेसेस. ठीक है, एक तो हाई एल्टीट्यूड पर यह होता है कि इस तरह के टूल्स को एक हाई एल्टीट्यूड तक लाना, इस तरह की प्लेसेस तक लाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और जिसकी वजह से यानी कि इस तरह के रेंज लैंड बिल्डअप नहीं हो सकते. और एक्सट्रीम वेदर होता है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, मीन के कोल्ड वेदर हो तो वेरी कोल्ड होता है एंड स्नो होती है जो कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा उसको ग्रो को हार्ड बना देती है स्पेशली हाई एल्टीट्यूड रेंज लैंड में. और उसके बाद है शॉर्ट ग्रोइंग टाइम, देयर इज ओनली शॉर्ट टाइम ईच ईयर व्हेन प्लांट्स कैन ग्रो वेल. ठीक है, बहुत ही कम टाइम होता है एक साल में जिसे जो कि बेहतर टाइमिंग होती है प्लांट के ग्रो करने की. नेचर इशूज इसमें आते हैं, प्रोटेक्टिंग नेचर द इन्वायरमेंट इज इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज इज फ्रेगाइल एंड वी नीड टू बी केयरफुल नॉट टू हार्म इट. सॉइल प्रॉब्लम, द ग्राउंड कैन ब्रेक अपार्ट इजिली एंड दिस कैन डैमेज द प्लांट्स एंड सॉइल. और रीजन जो ओल्ड रेंज लैंड हैं को गेटिंग वर्स करने के, टू मैनी एनिमल्स, टू मच ग्रेजिंग होती है, देयर इज टू मैनी एनिमल्स ईटिंग द प्लांट्स विच मेक्स इट हार्ड फॉर द प्लांट्स टू ग्रो बैक. ठीक है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स होने की वजह से ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इस तरह से जब प्लांट्स में ओवर ग्रेजिंग हो जाती है प्लांट्स की तो वहाँ पर फिर प्लांट्स का दोबारा उगना मुश्किल हो जाता है. और हार्मिंग सॉइल, द ग्राउंड गेट्स हार्ड एंड डैमेज व्हेन एनिमल्स वॉक ऑन इट टू मच. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा एनिमल्स एक ग्राउंड के ऊपर एक स्पेस के ऊपर चलते हैं तो उसको उसकी जगह को ख़राब कर देते हैं, वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो वो जगह होती है वो हार्ड हो जाती है और इससे डैमेज हो जाती है बहुत ज़्यादा एनिमल्स के वॉक की वजह से. और क्लियरिंग लैंड, पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज फॉर फार्मिंग आर टू यूज एज फायर वुड. ठीक है, के लोग जो है वो अपनी कटिंग डाउन कर रहे हैं ट्रीज को फार्मिंग के लिए या फिर अपने फायर वुड के यूज़ करने के लिए जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए को हर्ट करता है जो कि वहाँ पर रहते हैं. और लॉस्ट नेचर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यूज टू लिव इन दिस एरियाज कैन नॉट सर्वाइव एनीमोर. और बैड प्लांट्स कौन से होते हैं, फॉरेन प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लेसेस आर ग्रोइंग हियर एंड टेकिंग ओवर विच मेक इट्स हार्ड फॉर नेटिव प्लांट्स टू ग्रो. ठीक है, जो फॉरेन प्लांट्स होते हैं उनका ग्रो करना इन जो उन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्डर हो जाता है, उसको उसकी ग्रोथ को हार्ड कर देता है जो कि नेटिव प्लांट्स होते हैं.
और उसके बाद रीनिंग नेचर दिस न्यू प्लांट्स कैन हर्ट द लैंड एंड मेक इट हार्डर फॉर एनिमल्स टू फाइंड फूड। और क्लाइमेट चेंज क्या है, वेदर चेंजेस, वेदर जो है वो चेंज होता है और दिस इज मेकिंग इट हार्डर फॉर प्लांट्स टू ग्रो एंड फॉर एनिमल्स टू लिव। विजन फॉर मेकिंग बेटर रेंज पॉलिसी इन पाकिस्तान। तो इसमें के अंदर जो है वर्किंग टुगेदर मीन के लेटिंग एवरीवन हेल्प डिसाइड हाउ टू मैनेज रेंजलैंड्स विल मेक श्योर एज वी ऑल एग्री ऑन द बेस्ट वेज टू डू इट। लोकल नॉलेज इसके अंदर हो सक होना चाहिए। वी शुड लिसन टू पीपल एंड हु नाउ अलॉट अबाउट द लैंड एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, और सो इस तरह की चीज़ें करके जो है वो रेंजलैंड्स को बिल्डअप किया जा सकता है, एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। Not too many animals, only letting a few animals eat the plants will make sure the plants can grow back। ठीक है, बहुत ही कम एनिमल्स होने चाहिए एक प्लेस के ऊपर अगर वो ग्रो, ताकि ओवर ग्रेजिंग ना हो और वहाँ पर उनकी एनिमल्स का जो है वो एनिमल्स की तादाद कम हो, ताकि वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस ना हो सके और वो हार्ड ना हो। मेकिंग इट बेटर फिक्सिंग द लैंड एंड प्लांटिंग न्यू ट्रीज विल हेल्प रेंज लैंड ग्रो बैक। ठीक है, रेंज लैंड ग्रो बैक हो सकता है अगर हम लैंड को फिक्स कर दें और इस तरह की प्लांटिंग कर दें न्यू ट्रीज की। और टीचिंग एंड लर्निंग न्यू स्किल्स, टीचिंग पीपल हाउ टू टेक केयर ऑफ द लैंड एंड प्लांट्स विल हेल्प देम डू बेटर जॉब्स एंड फाइंडिंग न्यू आइडियाज, लर्निंग अबाउट न्यू वेज टू हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स विल हेल्प अस टेक केयर ऑफ रेंजलैंड्स बेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं मेकिंग स्ट्रॉन्ग रूल्स, रूल्स दैट हेल्प, मेकिंग गुड रूल्स विल हेल्प प्रोटेक्ट रेंजलैंड्स एंड लेट अस चेंज देम इफ वी नीड टू। वॉचिंग एंड फिक्सिंग, चेकिंग हाउ well our rules work will help us make sure rangelands stay healthy। changing the law, new rules implementation se rangelands ko protect kiya ja sakta hai। making new laws to protect rangeland will help us make sure everyone is doing the right thing। or watching what happens and checking how well our new laws work will help us make sure rangelands stay safe and healthy for a long time। theek hai, is tarah ke rules la kar ja jo rules pehle se ho unko implement karke ja new rules रूल्स के अंदर चेंजिंग करके न्यू रूल्स बना के इस तरह से जो है एकदम आज से प्रोटेक्ट किया जा सकता है रेंजलैंड्स को। और लास्ट पे हम लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, स्लेवो पेस्टल प्लानिंग, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रिपेयरनेस एंड स्ट्रेटजीज इन पाकिस्तान, जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ लैंड फॉर्म, रिफॉर्म्स ऑन रूरल सोसाइटीज इन पाकिस्तान एंड इम्प्रूवमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस एंड बायो सेफ्टी रेगुलेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये जो टॉपिक्स दिए गए इनमें से कोई भी चार टॉपिक्स को हमने जो है डिस्कस करना है डिटेल से। तो हम सबसे जो पहले चार हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्लेवो पेस्टल प्लानिंग क्या है, स्लेवो पेस्टल प्लानिंग इंटीग्रेट्स ट्रीज, फॉरेज क्रॉप्स एंड लिव स्टॉक विद इन सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसलिए वो पेस्ट्रोल प्लानिंग से मुराद ये है कि इसको इंटीग्रेट करना, फॉरेजिंग करना क्रॉप्स की और जो लीव स्टॉक है वो एक सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ताकि प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को इन्हेंस किया जा सके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना, कंबाइंस ट्रीज प्रोडक्ट्स, फॉरेज एंड लीव स्टॉक फॉर बेटर ओवरऑल आउटपुट। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इसके क्या हैं, इम्प्रूव सोयल फर्टिलिटी, वाटर रिटेंशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सोयल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, वाटर की रिटेंशन को और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस है, प्रोवाइड करता है शेड और शेल्टर लीव स्टॉक को और उनकी हीट स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं इस तरह की प्लानिंग। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डिजाइन प्लान द अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज एंड फॉरेज क्रॉप्स टू ऑप्टिमाइज स्पेस एंड रिसोर्स यूज, मैनेजमेंट रोटेट ग्रेजिंग एरियाज टू प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग एंड मेंटेन सॉइल हेल्थ। बेनिफिट्स क्या है, इंक्रीज इनकम डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट हम पॉइंट बी देखते हैं, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, प्रिपेयरनेस एंड स्ट्रेटजीज इन पाकिस्तान। इसका इम्पैक्ट क्या है, फॉरेस्ट मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टेबलाइजिंग लोकल क्लाइमेट्स। प्रिपेयरनेस क्या है, एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन मीन के प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट क्रॉप कार्बन स्टोरेज को इंक्रीज करता है। अडाप्टेशन सी क्या है, जो डिवेलपिंग रिजिलियंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम की डिवेलपमेंट दैट कैन विदस्टैंड क्लाइमेट इम्पैक्ट लाइक ड्राउट्स एंड स्टॉर्म्स। ठीक है, जो डिवेलपिंग रिजिलियंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो क्लाइमेट इम्पैक्ट को जो है वो
रिड्यूस कर सकता है या उसको फेस कर सकता है, इनके इस तरह से इम्पैक्ट ड्राउट्स की सूरत में या स्टॉर्म्स की सूरत में आते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं कि जो पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटिंग है जो प्रमोट करती है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को, और कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या है कि लोकल कम्युनिटीज की इन्वॉल्विंग जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के अंदर होती है, और रिसर्च और इनोवेशन क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च का यूज करना जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट ट्रीज को डेवलप करता है इस तरह की स्पीशीज को, और ये प्रैक्टिसेस की उनकी मैनेजमेंट के अंदर भी इस तरह की इनोवेशंस इंक्लूड होते हैं। और थर्ड हम देखते हैं जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर एम्स टू मिनिमाइज वेस्ट एंड मैक्सिमाइज रिसोर्स एफिशिएंसी, ठीक है। जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर से मुराद ये है कि वेस्ट को मिनिमाइज करना और रिसोर्स एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन साइकिल के थ्रू। प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं, सर्कुलर इकोनॉमी रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द सोइल टू मेंटेन फर्टिलिटी। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके ऑर्गेनिक मैटर को सोइल के अंदर रिसाइकल करके फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, रिड्यूस करता है ये पेस्टिसाइड यूज को और प्रमोट करता है नेचुरल पेस्ट कंट्रोल को। एफिशिएंट वाटर यूज इंप्लीमेंट्स ड्रिप इरिगेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कंजर्व वाटर। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर के, एनवायरमेंटल रिड्यूस करते हैं ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन और सोयल डिग्रेडेशन को, लोअर इनपुट कॉस्ट एंड इम्प्रूव फार्म प्रॉफिटेबिलिटी। सोशल इसमें क्या इन्हेंस करता है ये फूड सिक्योरिटी को और सपोर्ट करता है सस्टेनेबल रूरल लिवलीहुड को। लास्ट पे हम देखते हैं इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन रूरल सोसाइटीज इन पाकिस्तान। इसका बैकग्राउंड क्या है कि लैंड रिफॉर्म्स का मकसद जो है वो लैंड ओनरशिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करना ताकि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसके क्या है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड स्मॉल फार्मर्स विद एक्सेस टू लैंड इन इम्प्रूविंग इनकम एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का मकसद ये है कि स्मॉल फार्मर्स को भी लैंड प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सके और फूड सिक्योरिटी को बेहतर बना सके। इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है इसको तो एग्रीकल्चर के अंदर तो इसके इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये इंक्रीज करता है और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़ती हैं। तो प्रोडक्टिविटी इसकी क्या है, ये इंक्रीज करता है एग्रीकल्चर आउटपुट को एफिशिएंट लैंड यूज के थ्रू और इम्प्रूव करता है ये फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को। इसके हम सोशल इम्पैक्ट्स देखते हैं तो इक्विटी रिड्यूसेस डिस्पेरिटीज इन लैंड ओनरशिप एंड एनहेंसेस सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पार्टिकुलरली वुमेन एंड लैंडलेस फार्मर्स। और स्टेबिलिटी क्या है, इसमें एनहेंस करता है जो सोशल कोहेशन को रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड ओनरशिप।